हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे इस कैप्सूल की सहायता से कैप्सूल कलर, जो बैलून में हम डालकर देखेंगे कि अच्छी तरह से वर्क करता है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए अभी इसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह इसे खोल लेना है। इसे खोल लेते हैं दोस्तों, इसका दाना को गिरा देना है, हम निकाल कर हटा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया। तो दोस्तों चलिए अभी इसे रखते हैं। तो दोस्तों हमें रंग ले लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने रंग निकाल लिया है कागज़ में। तो दोस्तों चलिए हम इसे कैंची की सहायता से चाप देते हैं, ताकि ये हवा चल रहा है दोस्तों उड़िया भी सकता है। तो दोस्तों चलिए हम इसमें भर लेते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह भर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भर चुका है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस ढक्कन में इसे लगा घुसा देते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये जम चुका है। तो दोस्तों चलिए हम इसे हटा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैप्सूल बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों चलिए हम एक बैलून लिए हैं। तो दोस्तों इसी बैलून में पानी भर कर इस कैप्सूल को डाल के देखेंगे कि अच्छी तरह से घुल पाता है कि नहीं, रंग लाल होता है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए अभी इस हम कैप्सूल को डाल देते हैं इसी में, इस बैलून के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस बैलून में कैप्सूल को डाल दिया। तो दोस्तों चलिए अभी इस बैलून में पानी भरते हैं और देखेंगे ट्राई करके कि अच्छी तरह से वर्क करता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बैलून में पानी भर लिया इस रंग को भी। तो दोस्तों चलिए हम कुछ इस तरह पहले मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिल चुका है। तो दोस्तों चलिए अभी इसे ट्राई करते हैं फोड़ कर रंग निकलता है लाल कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से लाल हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरह से फूटा भी है। तो दोस्तों चलिए अभी इसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।